ब्रेक के बाद का स्वागत है। जिला स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन 23 अगस्त को नूरपुर के ऐतिहासिक बिजराज स्वामी मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में नगर पालिका हॉल में बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन 23 अगस्त को नूरपुर के ऐतिहासिक बिजराज स्वामी मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में नगर पालिका हॉल में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मेले के सफल आयोजन व उस पर निगरानी रखने के लिए नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा तथा श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया जाएगा। डॉक्टर ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखने तथा जल भंडारण टैंकों में क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को महोत्सव के दौरान नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से मेले के दौरान दुकानदारों द्वारा बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं तथा उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। उन्होंने कहा प्रशासन द्वारा मेले को पूरी तरह से पॉलिथीन तथा थर्मोकोल फ्री बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से मेले के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन तथा थर्मोकोल के प्रयोग से कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान यातायात तथा कानून व्यवस्था को सामान्य एवं सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहेंगे जो कि मंदिर परिसर तथा मुख्य सड़क मार्ग पर विशेष निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये जवान मेले के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने चेन स्निचर तथा जेब कतरों के गिरोह पर नजर रखने के पुलिस को भी विशेष निर्देश दिए। ठाकुर ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों मेला कमेटी तथा मंदिर न्यास के सदस्यों से भी मेले के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल व सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने दुकानदारों से भी मेले के दौरान बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता तथा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घटिया खाद्य तेल व सामग्री का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से अपने अपने स्टॉल के अंदर डस्टबिन रखने तथा कूड़ा चिन्हित स्थानों पर ही फेंकने को कहा। उन्होंने मंदिर कमेटी को मंदिर की वेबसाइट बनाने के अतिरिक्त श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन करवाने व चढ़ावे की व्यवस्था करवाने की दिशा में भी विशेष पग उठाने को कहा। एसडीएम ने बताया कि मेले के दौरान आर्य डिग्री कॉलेज तथा साथ लगती खाली जगह पर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। जिला स्तरीय जन्माष्टमी फेयर जो है नूरपुर में इस बार 23 अगस्त को मनाया जाएगा और इसके रिगार्डिंग हमने आज एक मीटिंग की है और इसमें हम जो है श्रद्धालुओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर पर्टिकुलरली हमने जो है इस बार हमने स्पेशल फोकस किया है। हम जो है क्राउड को भी इसमें साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट के लिए हमने इसमें आज दिशा निर्देश दिए हैं और इसकी समस्त तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। तो ये था आज का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार।